बिहार के दोनों शहर अर्पिता, बिहार शरीफ और सासाराम, वहां पर जिंदगी अब थोड़ी सामान्य सी होने लगी है। धारा 144 लागू है, लेकिन दुकानों को खोलने की इजाजत 2 बजे तक के लिए दी गई है। करीब 200 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, ये बिहार की तस्वीर है, लेकिन बंगाल की तर्ज पर बिहार में भी दंगों को लेकर जमकर यहाँ सियासत चल रही है, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो बिहार हो। ममता जैसे ही आरोप नीतीश पर लग रहे हैं कि वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। जवाब में आरजेडी और जेडीयू भी बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार के नालंदा से लेकर सासाराम में अब शांति है। पुलिस और अर्धसैनिक बल हालात पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन हालात अब तक पूरी तरह सामान्य नहीं है। सासाराम में जब चप्पे चप्पे पर नजर थी, तभी एक धर्म स्थल के बाहर आग लगने की घटना हो गई। डीएम कह रहे हैं ये मामूली घटना है। सुबह में लगभग 4:15 में हमारे दंडाधिकारी और फोर्स जब राउंड में थे, तो उनको एक जगह से जो है स्पार्क दिखा, तो फिर स्पार्क देखने के बाद उनके द्वारा जो है फायर सेक्शन को और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो है सूचना दी गई है। सूचना देने के बाद 15-20 मिनट्स का समय लगा होगा, और उसके बाद वो लोग आए हैं। विद इन 1-2 मिनट जो है उन लोगों ने उसको समाप्त कर दिया। आप लोगों ने साइट को देखा भी होगा, ऐसा कहीं भी आग लगने का कोई हम लोग को जो है निशान तक ठीक से नहीं दिख रहा। सासाराम में 3 पुलिस रिपोर्ट दर्ज की गई है, 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज भी धारा 144 लागू। उधर बिहार शरीफ में हिंसा के बाद अब दुकानें खुलने लगी। आज दोपहर 2 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई। बिहार शरीफ दंगे को लेकर 15 FIR दर्ज की गई है। 140 लोग से ज्यादा गिरफ्तार हैं। बिहार शरीफ में अभी भी धारा 144 है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 20 करोड़ की संपत्ति का नुकसान दंगे में हुआ। पिछले 2 दिनों में हिंसा की कोई बड़ी खबर ऐसी नहीं आई है, जिसके बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य होना शुरू हुए हैं, और आज से जो दुकानें हैं शहर में वो भी खुलना शुरू हो गई हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त सुबह से दुकानें खुली हैं। आप देख सकते हैं रोड पर भी काफी सामान्य जो तरीके से लोग अपने काम और दिनचर्या में लगे हुए हैं। बिहार की हिंसा में जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी नीतीश को निशाना बना रही है, तो जेडीयू और आरजेडी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या बंगाल हो या बिहार हो, रामनवमी की यात्रा शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती, क्यों नहीं निकल सकती? यही सवाल है। बिहार शरीफ में तो पहले भी गड़बड़ी हुई थी, 2 साल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पुलिस की सख्ती थी। और बंगाल में तो पूरी ममता जी की पॉलिटिक्स ही है। ये है बड़ा सवाल। रामनवमी को आप रोकेंगे तो विरोध होगा। दंगे की आंच में वोट की फसल आपके लोग पकाने की कोशिश करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। बिहार में वो चलेगा नहीं। सांप्रदायिक सद्भाव की धरती, भाईचारा कायम रहेगा किसी भी कीमत पर। ये आप नोट करके रख लीजिए, आपका प्रयोग या संयोग कतई सफल नहीं। बिहार में भी हिंसा के पीछे किसी सियासी साजिश की बू आ रही है। नीतीश पहले ही इसके संकेत दे चुके हैं। सवाल यह है कि कब असली गुनहगार बेनकाब होंगे। आज तक ब्यूरो। तो आज बिहार शरीफ से अर्पिता एक सुकून वाली तस्वीर आई है। 3 रोज पहले जो शहर सुलग रहा था, वहां आज हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर एक सद्भावना रैली निकाली है, और ये तस्वीरें हम आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं। दोनों समुदायों ने एक दूसरे का हाथ थामा, शांति बनाए रखने की कसम खाई। दोनों समुदायों के बड़े नेता इसमें शरीक भी हुए। बिहार शरीफ में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब पूरे शहर में सद्भावना किस तरीके से बनाई जाए, किस तरीके से सौहार्द का माहौल कायम किया जाए, उसको लेकर आज शहर में सद्भावना मार्च निकाली गई है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पुलिस आगे आगे चल रही है, वहीं हिंदू हो या मुसलमान, सभी समाज के लोग यहां एकजुट होकर एक साथ इस सद्भावना मार्च में शामिल हुए हैं, ताकि शहर में एक बार फिर से सांप्रदायिक माहौल जो है वो ठीक किया जा सके और सौहार्दपूर्ण माहौल वो कायम किया जा सके। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर शामिल हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये सद्भावना मार्च जो निकाली जा रही है, इससे क्या फायदा होगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सर, ये सद्भावना मार्च आप लोगों ने निकाली है, एसपी साहब, क्या इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारी कोशिश है कि शहर वापस शांतिपूर्वक रहे, है ना, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जैसा जी रहे थे वैसा
जिए और जो र्यूमर फैल रहा है उसको रोकने का प्रयास है, समाज को जोड़ने का प्रयास है कि शांति तभी स्थापित हो सकती है जब समाज जो है वो प्रशासन को सहयोग करेगा। प्रशासन के सहयोग के लिए समाज जो है आज सामने आया है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहर में शांति व्यवस्था पुनः जैसी थी वैसी बनाए रखे। और कुछ मंत्री भी यहाँ पर, जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार जी हमारे साथ हैं। श्रवण जी, सद्भावना मार्च की जरूरत आज क्यों पड़ी है बताइए। समाज में शांति सद्भाव प्रेम के लिए तो ये सब जरूरी होता है ना, यही से फायदा होगा। दिलों को जोड़ने की जरूरत है, थोड़ा दिल में दरार पड़ गई है, इसी से जुड़ जाएगा दिल, इसी से जुड़ेगा, लोगों में एतमाद बहाल होगा, भरोसा आएगा, जो शक पैदा हो गया वो शक दूर हो जाएगा।